ଭାରତୀୟ କୃଷକ ସମାଜ ତାର ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛି। ଏହି ଏହି ସଂସ୍ଥା ଆମ ହଉ, ତେଣୁ ଗଲା ତିନି ମାସ ତଳେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। उनको कुछ सुधार करने के लिए जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने MSP ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग मार्केटिंग इरिगेशन इस सब में सुधार करने के लिए कमेटी का गठन किया है और भारतीय कृषक समाज के प्रतिनिधित्व के करने के लिए मुझे कमेटी में प्रधानमंत्री जी ने रखा है। उद्देश्य बहुत साफ है और मेरा भुवनेश्वर जो आज आने का कार्यक्रम है वो भी यही है कि कल भारत सरकार की कमेटी की बैठक है और बैठक में आने से पहले मैंने ये तय किया कि पहले मैं आप लोगों से मिलूं, बात करूं, तमाम चीज़ें जो भी यहाँ के स्थानीय प्रदेश के मुद्दे हैं उन पर आपसे रूबरू होकर बात कर सकें। देखिए, देश के किसानों ने खाद्यान्न सुरक्षा दी है, 135 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का पेट भरा है। अगर हम भारतीय कृषक समाज की कार्यशैली को देखें तो हमेशा से सकारात्मक रही है, रचनात्मक रही है। हम कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव ग्रोथ में विश्वास रखते हैं, लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए और वो केंद्र और प्रदेश सरकारों को मिलकर ही करना होता है। कॉन्करेंट लिस्ट में है एग्रीकल्चर और स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए प्रदेश सरकारों का पूरा दायित्व होता है। मित्रों, जब प्राकृतिक आपदा होती है तो किसान के खेत में किसान के भुगतना पड़ता है, किसान के साथ होता है। बाढ़ हो, तूफान हो, ओला हो, जो भी नुकसान, सूखा हो, नुकसान हो, उससे बचाने के लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी वो इसीलिए की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को प्रोटेक्शन मिल सके और अगर उनका नुकसान होता है तो वो उनको मिल सके। किसान तो बैंक से कर्जा लेके अपना फसल की बुआई करता है, काम करता है, तो कहाँ से नुकसान की भरपाई हो उसके लिए। इसी तरीके से इस देश में मित्रों 86% किसान ऐसा है जिसकी लैंड होल्डिंग 2 एकड़ से कम है और उड़ीसा के किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा कमजोर है। तो उस आर्थिक स्थिति में किसान को कैसे आगे मजबूती दी जाए, इसलिए कमेटी जो है देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में जाकर ये सब चीज़ों को सुधार करने के प्रयास करने के लिए, बातचीत करने के लिए काम कर रहे हैं। बाजार की परिस्थितियां अलग हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर की परिस्थितियां अलग हैं, हर प्रदेश का सहकारिता का अपना अपना कानून है। व्यवस्थाएं में ये भी है कि पूरा देश में एक सी व्यवस्था हो। 75 सालों में जो भी कृषि उत्पाद थे वो APMC की मंडियों तक सीमित थे, जो अभी तक जो व्यवस्था है। अब फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो 10,000 बनाने की व्यवस्था शुरू की गई है पूरे देश में, वो इसलिए किया गया है कि हर ब्लॉक लेवल पर एक 300 किसानों का फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कम से कम 300 किसान, 300 फार्मर्स उसमें मेंबर हो। देखो, तो आज बहुत खुशी लगुची सर्वभारतीय स्तरर फार्मर संस्था जे कि भारतीय कृषक समाज जहाँ मुख्य अच्छा आमर श्रीजुक्त कृष्णवीर चौधरी, से चिंता कले जे ओडिशा रे कौन सी एभली संस्था नहीं जे कि चाषी मानक काम करिवो।
गला जून मासरे एही संस्था आम ओडिशा को आसिला एवं आज तीन मास भितरे आमे माने एथिरे बहुत जन प्रतिनिधित्व करिछु मु निजकु धन्यवाद माने दौची जे जहा हो मते सर्वभारतीय स्तरर भारतीय कृषक समाज संस्था चिंता कले जे ओडिशार प्रेसिडेंट भावे रखिबा पई मु ओडिशार प्रेसिडेंट हेला परे आस्ते आस्ते कृषि कार्यक्रम रे योगदान करूची विभिन्न संस्था को जाईची सार जो कहिले जे ओडिशार जो आमर रहीची विज्ञान संस्था कृषि विज्ञान संस्था कृषि गवेषणा केन्द्र सेठिकी मध्ये मु जाउची सेठिकी बळी भाबरे आमर माछ चास उपरे दिया जाउची शिक्षा ताकु नेईची सिफा सहित मध्ये मु सबबळे जोगाजोग करूची केवल माछ चास कंकडा चास पर्ल चास पई ता सहित कृषि गवेषणा केन्द्र को जाकि किभली आमर चाषी भाई माने से मानकर प्रॉपर एजुकेशन पाइबे जोटा को आमे कहूचे एग्रीकल्चर एजुकेशन सेटा को केभली आमे त्वरान्वित करिवो ओडिशा रे आमे चिंता करूचु सेतिकी केवल नुह आमे मध्य सरकारकर केंद्र सरकारकर राज्य सरकारकर जो भली सबू अवदान रहूची आम स्टेट पई ताकु मध्य किभली आमे चाषी मानक पाखरे पहुचेइबो सेटा रहीची आमर मुख्य उद्देश्य वर्तमान मु भाबुची मु प्रेसिडेंट हेला परे निश्चित भाबरे ओडिसार एग्रीकल्चर काम को त्वरान्वित करिवि भारतीय कृषक समाज जो भली भाबरे केवल भारत वर्ष रे नुहे इंटरनेशनल मार्केट रे मध्य से माने जो भली भाबरे कृषक मानक सहित काम करुचंती श्रीजुक्त कृष्णवीर चौधरी जो भली भाबरे विभिन्न राज्य रे एही संस्थार संकल्प को बढ़ेचंती मु मध्य ताहाकु करबाकु आग्रही रहिछि।